स्वागत है आपका बिग ब्रेकिंग में, मैं हूं रीनू। सबसे पहली बात रीवा से बड़ी खबर की, जहां पर अस्पताल में सुरक्षा कर्मियों की लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया। लेडी टॉयलेट में घुसकर दो बदमाशों ने छेड़खानी की और टॉयलेट के आसपास कोई भी सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं था। इक्विपी के साथ देर रात छेड़खानी की वारदात हुई। हंगामा होते ही दोनों युवक मौके से फरार हो गए। संजय गांधी अस्पताल का ये पूरा मामला है। आप ये देखिए कि लगातार अस्पतालों से जुड़ी जो खबरें सामने आ रही हैं, ये वाकई में हैरान करती हैं, क्योंकि अस्पताल, ज्यादातर सरकारी अस्पताल 24 घंटे खुले रहते हैं और कोई भी वहां पर पहुंच जाता है। अस्पताल में सुरक्षा कर्मियों की लापरवाही का मामला सामने आ रहा है, जहां लेडी टॉयलेट में घुसकर दो बदमाशों ने छेड़खानी की कोशिश की है। टॉयलेट के आसपास कोई भी सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं था। एक युवती के साथ देर रात छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया गया। हंगामा होते ही दोनों युवक फरार हो गए। संजय गांधी अस्पताल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां दो बदमाशों ने लेडीज टॉयलेट में घुसकर छेड़खानी की कोशिश की है। और ये मामला जैसे ही सामने आया, इस पूरे घटना पर अब पुलिस पहुंची है एक्शन लेने के लिए। जो युवक हैं, आरोपी युवक हैं, उनकी तलाश किए जाने की भी बात कही जा रही है। रीवा का पूरा मामला है। संजय गांधी हॉस्पिटल में ये घटना घटित हुई है, जहां पर लेडीज टॉयलेट के बाहर कोई भी सुरक्षा कर्मी तैनात नहीं था और इसके चलते अंदर जो महिलाएं थी, उन्होंने आरोप लगाया है कि बदमाशों ने टॉयलेट के अंदर घुसकर छेड़खानी की कोशिश की है। बड़ा मामला है ये, चौंकाने वाला मामला है ये, क्योंकि बेधड़क इस तरीके से आपराधिक प्रवृत्ति के युवक अस्पतालों में चले जाते हैं और घटनाओं को अंजाम देते हैं। बहुत ज़रूरी हो चुका है कि जिस तरीके से प्राइवेट अस्पतालों में सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं सुरक्षाकर्मी, जानकारी मिलती है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसका आना ज़रूरी है, क्या उनकी पहचान है, क्यों वो हॉस्पिटल के अंदर आना चाहते हैं, क्या उनका कोई सदस्य हॉस्पिटल में है, इन तमाम चीज़ों के बाद ही कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में अंदर दाखिल हो पाता है। ये तमाम जो पैरामीटर्स है, ये सरकारी अस्पतालों में भी होना अब ज़रूरी हो चुका है, वरना ऐसी घटनाएं लगातार आती रहेंगी। जहाँ पर आप देखिए कि लेडीज़ टॉयलेट में घुस कर महिलाओं के साथ छेड़खानी करने की कोशिश आरोपियों ने की है। दो युवक बताए जा रहे हैं, हालाँकि हंगामा होते ही ये दोनों युवक मौके से फरार हो गए। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शिवेंद्र बघेल जुड़ गए। शिवेंद्र, इतनी हिम्मत युवकों में कि लेडीज टॉयलेट में घुसकर छेड़खानी की वारदात को अंजाम दिया? मैं आपको बता दूं कि रीवा का जो संजय गांधी जिला अस्पताल है, वहां क्या ये मामला है, जहां पे एक जो रिश्तेदारी में एक अपनी बहन की देखभाल करने गई एक युवती के साथ बाथरूम में छेड़खानी की कोशिश की गई। दो युवकों ने उसको बाथरूम में पकड़ के रखा था, लेकिन उसने चीख पुकार करके अपने आप को सुरक्षित किया। इस बात को लेकर जमकर हंगामा भी हुआ और जब इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक को हुई तो उन्होंने फोर्स भेजा, तब तक आरोपी जो है वो दोनों फरार हो चुके थे। और इसमें सबसे बड़ी जो बात सामने आई है कि सुरक्षा कर्मियों ने युवकों को पहले पकड़ा था और डरा धमका के उनको भगा दिया। अगर सुरक्षा कर्मी मुस्तैद होते और अपने फर्ज को निभाते तो शायद दोनों आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त में होते। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शिवेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो मौके पर तुरंत इन्हें पकड़ा जा सकता था, लेकिन मौके पर कोई भी सुरक्षाकर्मी तैनात नहीं था और इस वजह से ये दोनों भाग निकले। अब आगे बढ़ेंगे, जहां कोलकाता मामले पर बड़ी खबर है। थोड़ी ही देर में सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता कांड को लेकर सुनवाई होगी। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट, सीलबंद लिफाफे में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई है, जांच रिपोर्ट दाखिल की गई है। बंगाल पुलिस ने भी सुप्रीम कोर्ट में जांच रिपोर्ट दाखिल की। बड़ी खबर है इस वक्त की, जहां पर कोलकाता मामले को लेकर यह बड़ी जानकारी है। थोड़ी ही देर में सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता कांड को लेकर सुनवाई होनी है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट, सीलबंद लिफाफे में दाखिल की है जांच रिपोर्ट। बंगाल पुलिस ने भी सुप्रीम कोर्ट में जांच रिपोर्ट दाखिल की है। आज एक बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई है, क्योंकि सभी की निगाहें इस मामले पर टिकी हुई है और जब से पूरा घटनाक्रम सामने आया उसके बाद से लगातार पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। महिलाएं खासतौर पर प्रदर्शन कर रही हैं, महिलाओं की सुरक्षा की मांग को लेकर लगातार आवाज बुलंद हो रही है और आज अहम सुनवाई होने वाली है। सबसे बड़ी बात है किस तरह से ममता बनर्जी, जो मुख्यमंत्री भी हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और कानून मंत्री भी हैं, किस तरह से उन्होंने बाकायदा इजाजत दी और सबूतों को नष्ट करने के लिए कोशिश सारी इस तरह से की कि उन्होंने ना तो 144 लगाया, ना तो घेराबंदी की, उग्र भीड़ को आने दिया और उन्होंने एक बार ये देखा भी नहीं और
अपने पुलिस कमिश्नर को इसके लिए अभी तक बर्खास्त नहीं किया कि क्यों उन्होंने इस एफआईआर पर इतनी देरी से एफआईआर हुई। ये क्यों भूल जाते हैं, बदलापुर की घटना कल ही हुई है, अपने गिरवान में झांक करके देखें। तो विपक्ष के ऊपर हमला तो बोलते हैं और ये 10 गुना ज़्यादा 50 गुना ज़्यादा इनके खुद के गुनाह होते हैं, उस गुनाहों पे नज़र डालने की कोशिश करें। हम जानते हैं कि बंगाल में एक बहुत हिंसात्मक परिस्थिति है और उसमें टीएमसी भी पीछे नहीं है इस बात को भी। हालांकि इस सबके बीच डॉक्टरों की हड़ताल जारी, हड़ताल खत्म करने पर डॉक्टरों ने फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया है। जानकारी के मुताबिक आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर डॉक्टरों की नजर है। डॉक्टर चाहते हैं कि नेशनल टास्क फोर्स में आईएमए और आरडीए के प्रतिनिधि भी शामिल हों। इसके साथ ही केंद्र सरकार सीपीए यानी कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लेकर आए। दिल्ली के सागरपुर इलाके में एक बच्ची बालकनी से गिर गई। बालकनी से गिरने के बाद लड़की की मौत हो गई। हादसे की सीसीटीवी में भी सामने आया है। परिवार की माने तो लड़की बालकनी की रस्सी पर लटके कपड़े सुखाने के लिए ला रही थी, जहां उसका पैर फिसला और वो गिर गई। तो दुखद यह हादसा दिल्ली के सागरपुर से है, जहां पर एक बच्ची बालकनी की रस्सी पर लटके कपड़े सुखाने के लिए ला रही थी और उसका पैर फिसला, वो गिर गई। ये दुखद हादसा सामने आया है और जैसे ही बच्ची गिरी तुरंत मौके पर बाकी लोग भी पहुंच गए। सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हुई है। दिल्ली के सागरपुर का पूरा मामला चौंकाने वाला, दिल दहला देने वाला पूरा मामला है। बालकनी से गिर गई बच्ची, बालकनी से गिरने के बाद लड़की की मौत हो गई। हादसे की सीसीटीवी भी सामने आया है। परिवार की माने तो लड़की बालकनी की रस्सी पर लटके कपड़े सुखाने के लिए ला रही थी और इसी दौरान पैर फिसला, हादसा हुआ। तो ये रतलाम से खबर है, 13 साल की भतीजी से बर्बरता का मामला सामने आया। चाची ने भतीजे को बेरहमी से पीटा, भतीजी को चाची ने थप्पड़ भी मारे, भतीजे की पिटाई का वीडियो सामने आया है। नाने ने दिया थाने में आवेदन, चाइल्ड लाइन टीम आज करेगी बच्ची का रेस्क्यू। तलाक के बाद बच्ची को दादी के पास छोड़ गई है माँ। दीनदयाल नगर थाना पुलिस मामले की जाँच पे जुट गई है। बड़ी खबर रतलाम से आपको दे रहे हैं, जहाँ 13 साल की भतीजे से बर्बरता का ये मामला सामने आया है। छतरपुर सिटी कोतवाली थाने पर उपद्रवियों के पथराव करने के मामले में सीएम की सख्ती के बाद एक्शन हुआ है। पुलिस ने 40 नामजद और 150 से अधिक अज्ञात लोगों पर कुल 16 धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जगह जगह छापेमारी में जुट गई है। आपको ये भी बता दें कि कल एक मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर लोग सिटी कोतवाली में जमा हुए थे और इसी दौरान उपद्रवियों ने थाने पर पथराव कर दिया। पथराव में टीआई सहित 2 पुलिसकर्मी घायल हुए थे और इस मामले को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बहुत ही गंभीर इसे माना और तत्काल दोषियों की जल्द पहचान कर कठोर कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया था। तो सभी फरार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। 46 नामजद और साथ ही 150 से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। सभी आरोपी फरार हैं, पुलिस तलाश में जुट गई है, छापेमारी कर रही है। खबर भिंड से, जहां पर एसडीआरएफ के 2 जवानों का रेस्क्यू जारी है। ग्वालियर एसडीआरएफ एनडीआरएफ टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। मौके पर भारी संख्या में लोग जमा हुए। आपको बता दें कि कल देहात थाना क्षेत्र में कचोंगरा गांव के पास कुंवारी नदी में बहे ग्रामीण को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम पहुंची हुई थी और इस दौरान 2 जवान नाव पलटने से पानी के तेज बहाव में लापता हो गए। देर शाम चले रेस्क्यू ऑपरेशन को रात के अंधेरे में रोका गया और आज फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कचोंगरा में, जहां पर जो कुंवारी नदी है वो किस तरह से इसका तेज बहाव है, इस समय कुंवारी नदी उफान पर है और कल 12 घंटे हो गए हैं लगातार रेस्क्यू चल रहा है। चूंकि मैं आपको बता दूं कि
मामला इसलिए गंभीर बना हुआ है क्योंकि इसी जगह आप देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन दिखा सकते हैं कि वो बोट है, वो नाव है, इसी में सवार होकर 3 NDRF के जवान और एक ग्रामीण जब तैराक जब जाता है तो कहीं ना कहीं इसी भंवर में और इसी तेज बहाव में, तेज धारा में वो फंस जाता है और नाव पलट जाती है, जिसमें एक राहुल जो SDRF का जवान है वो तो बाहर आ जाता है लेकिन जो प्रवीण है और एक जवान वो बाहर नहीं आ पाता है। लगातार रेस्क्यू टीम सर्चिंग अभियान में लगी हुई है, कल देर रात से रात 2 बजे तक इसमें जो SDRF के जो जवान हैं वो लगातार सर्चिंग कर रहे थे। रात 2 बजे के बाद सुबह जैसे ही फिर से शुरू हुई तो वैसे ही ग्वालियर से NDRF की और SDRF की टीम भी आ गई है, लगातार पूरी रात भर से मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस पूरे रेस्क्यू अभियान में। एडिशनल SP संजीव पाठक जी, हम उनसे जानना चाहेंगे, वो रात में भी यहाँ मौजूद रहे और अभी भी इस वक्त मौजूद है। सर, क्या हालत बनी है, किस तरह से, क्या ये जो कल एक गाय को बचाने के लिए 2 ग्रामीण यहाँ गए थे उसको बचाने के लिए, उसको जब वो डूबने लगे तो उनके लिए SDRF की टीम जो लोकल भिंड से है उसने तत्काल आके उनका रेस्क्यू करने का कोशिश किया, उसमें से एक को तत्काल रेस्क्यू किया भी गया, दूसरे को भी निकाल लिया गया लेकिन दूसरे में पानी अधिक भरने के कारण उसकी मृत्यु हुई विजय की। और बाकी जो यहाँ SDRF के 4 कर्मचारी गए थे उनमें से 2 यहाँ पर, चूँकि पानी का फ्लो बहुत अधिक था और भंवर बार बार आ रही थी तो उसके कारण 2 कर्मचारी उसमें डूब गए हैं। खास बात ये है जो बचाव दल है वो ही इसमें डूब चुका है, गंभीर विषय बना हुआ है। भिंड से न्यूज 18 के लिए रविरमन त्रिपाठी। और खबर भोपाल से, जहां पर अंधे कत्ल का खुलासा हुआ। बर्फ काटने के सूजा से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था, युवक को उतारा गया मौत के घाट। आरोपी संजय का युवक से हुआ था विवाद, तलैया थाने के रैन बसेरी के पास इस घटना को अंजाम दिया गया। तो वहीं CCTV की जांच के बाद इस मामले का खुलासा हुआ है, जहां बर्फ काटने के सूजा से इस निर्मम हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। आरोपी संजय का युवक से विवाद हो गया था और इसके चलते उसे मार दिया गया। तलैया थाने के रैन बसेरे के पास इस घटना को अंजाम दिया गया। CCTV की जांच के बाद इस मामले का खुलासा हुआ है, आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है। हम में से कई लोग रोज सपने देखते हैं, उसे पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सपनों के पूरा करने के लिए मेहनत नहीं करते बल्कि जालसाजी करते हैं। ऐसे कुछ मामला सामने आया है रीवा से, जहां पर एक 11वीं पास जालसाज ने 11 लोगों से 1 करोड़ की ठगी कर ली और विदेश में मौज करता था, लेकिन ये पकड़ा गया। पुलिस ने 11वीं पास जालसाज को एक कार के साथ गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई। हालांकि इसने 2 करोड़ों की ठगी की थी, इससे इसने मौज कर ली है, विदेशों में घूमकर आ चुका है और अब ये पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। और संवाददाता शिवेंद्र जुड़ गए। शिवेंद्र, किस तरीके से झांसा देता था, 11 लोगों से 1 करोड़ों की ठगी इसने की है? देखिए, ये जो आरोपी है ये नितेंद्र तिवारी है और ये बहुत ही बड़ा जालसाज था, नटवर रहा। इसने शेयर मार्केट में पैसा 1 महीने में 2 गुना करने का लालच देकर सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को फंसाया और एक एक करके उसने 11 लोगों को के साथ में ठगी की है और लगभग 1 करोड़ की ठगी की है। पैसा लेने के बाद ये बैंकॉक और दुबई भाग जाता था, जहाँ पे अयाशी करता था और इसने 28 लाख की एक लग्जरी कार भी खरीदी थी। पुलिस लगातार पहले 5 लोगों ने इसकी खिलाफ शिकायत की थी, इसके बाद पुलिस ने मुखबिर तंत्र को विकसित किया और जैसे ही विदेश से लौटकर छत्तीसगढ़ के चिरौली में पहुंचा, पुलिस ने इसको धर दबोचा। इसके बाद पीड़ितों की लाइन लग गई और ये संख्या 11 तक पहुंच गई और इसने 1 करोड़ से ज्यादा की ठगी की है, जिसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जी शुक्रिया आपका शिवेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और इसने 11 लोगों से ठगी की घटना को अंजाम दिया, करोड़ों की ठगी करके विदेशों में मौज किया और उसके बाद अब पुलिस ने इसे धर दबोचा है।
मुरैना से खबर है, जहां पुराने टायर से भरी झोपड़ी में आग लग गई। झोपड़ी के पास खड़े तीन ट्रक भी जल गए। झोपड़ी में आग लगने का कारण अज्ञात है। फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची। बानमोर के नेशनल हाईवे 44 का ही पूरा मामला सामने आया। ये देखिए, जब झोपड़ी में आग लगी तो पास में तीन ट्रक खड़े थे और ये तीनों ट्रक भी इस आग की चपेट में आ गए हैं। आग कैसे लगी है, इतना तेजी से कैसे फैल गई है, फिलहाल अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। मुरैना का ये पूरा घटनाक्रम है। पुलिस टीम मामले की जाँच में जुट गई है। सीधी में सोन नदी में कूदी महिला का शव दूसरे दिन बरामद कर लिया गया। हादसे से 10 किलोमीटर दूर सिहावल चौकी क्षेत्र के पास महिला का शव बरामद किया गया। एसडीआरएफ की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद महिला का शव बरामद किया है। पति पत्नी के बीच आपसी विवाद के बाद पत्नी ने सोन नदी में छलांग लगा दी थी, जहां एसडीआरएफ की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद महिला का शव बरामद कर लिया है। तो पति से विवाद हुआ था महिला का और नाराज महिला ने सोन नदी में छलांग लगा दी थी और उसके बाद 10 किलोमीटर दूर महिला का शव बरामद किया गया है। दूसरे दिन यह शव टीम को मिला है। खबर भोपाल से, हेरिटेज मदिरा को लेकर एक बड़ा फैसला आया है। होटल बार में हेरिटेज मदिरा रखना अब अनिवार्य होगा। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, हेरिटेज मदिरा रखना अब अनिवार्य होगा। घर में भी रख सकते हैं महुआ की शराब। बार के मेन्यू में भी हेरिटेज मदिरा का रखना अनिवार्य होगा। घर में 4 बोतल आप हेरिटेज मदिरा की रख सकते हैं, इसके लिए छूट दी गई है। महुआ के फूल से बनती है हेरिटेज मदिरा और अब ये कहा जा रहा है कि बार में भी, शराब की दुकानों में भी इस हेरिटेज मदिरा का को बेचना अनिवार्य होगा, रखना अनिवार्य होगा। और बार में बाकायदा जो मेन्यू होता है उसमें इसको मेंशन भी करना पड़ेगा, जिसमें हेरिटेज मदिरा को अब आप घर में भी रख सकते हैं। 4 बोतल रखने की आपको छूट दी गई है। दरअसल ये हेरिटेज मदिरा जो है वो महुआ के फूलों से बनती है और अब इसे रखने के लिए अनिवार्य किया गया है तमाम शराब दुकानों को, बार संचालकों को। चलिए अब एक तस्वीर दमोह की दिखाते हैं, जिसे देखकर आप कहेंगे कि जाकू राखे साइयां मार सके ना कोई। दरअसल इन दिनों कोपरा नदी में मगरमच्छ का आतंक है, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। मगरमच्छ पानी में घात लगाए अपने शिकार का इंतजार कर रहा है और जैसे ही एक कुत्ता नदी में दिखाई देता है, पानी पीने के लिए आता है, मगरमच्छ उसका पीछा करने लगता है। गनीमत रही कि ग्रामीणों के शोर सुनकर कुत्ता भाग गया और बाल बाल शिकार होने से बच गया। एक बार तस्वीर आप देखिए और सुनिए, वहां पर मौजूद लोग कुत्ते को भागने के लिए बोल रहे हैं। मैं जिले में मगरमच्छ जो है बड़ी मात्रा में दिखाई दिए हैं। आज भी कोपरा नदी में एक मगरमच्छ दिखाई दिया था। तो चूंकि मगरमच्छों की संख्या हमारे जिले में काफ़ी है, इसीलिए बहुत ज़रूरी है हमारा कि नदियों में इस समय में हम सावधानी रखें। नदियों के अलावा, इसके अलावा हमारे यहाँ पर कई ऐसे जल स्रोत हैं जहाँ पर जो है झरने बहने लगते हैं प्राकृतिक रूप से, या जलप्रपात जैसा बनने लगता है, है ना, और वहाँ पर लोग जाकर के फिर नहाने। दिल्ली की मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर कपिल सिंह अमरनाथ से रामेश्वरम तक की पैदल यात्रा पर निकले हैं और कपिल अब तक 2000 किलोमीटर की यात्रा महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। यहां उनकी पत्नी समेत परिवार के लोगों ने हौसला बढ़ाया। कपिल अमरनाथ से जल भरकर रामेश्वरम तक की करीब 3500 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर 30 जून को निकले थे। अमरनाथ से पैदल चलकर करीब 2000 किलोमीटर की यात्रा कर 55 दिन में पूरी करब उज्जैन पहुंचे हैं। कपिल ने बताया कि अमरनाथ से गोल्डन टेंपल, महाकाल मंदिर, ओमकारेश्वर मंदिर आदि योगी बाबा दर्शन करते हुए रामेश्वरम दर्शन करेंगे। मेरी जो यात्रा है वो अमरनाथ से रामेश्वरम की है और अमरनाथ से मैं 30 जून को चला था और अब तक मैं महाकालेश्वर मंदिर पहुंच चुका हूँ आज, और आज फिर मैं अपनी यात्रा आगे स्टार्ट करूंगा ओंकारेश्वर के लिए।
ओमकार रामेश्वरम। कहाँ का है? मेरा जो रूट है वो अमरनाथ से गोल्डन टेम्पल, दिल्ली में मरकट वाले बाबा, फिर उज्जैन, फिर ओमकारेश्वर, आदि योगी और रामेश्वरम। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, बांग्लादेश ने पूर्व पीएम शेख हसीना को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द कर दिया है। शेख हसीना के सहयोगियों का भी पासपोर्ट रद्द कर दिया गया। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। इस एक्शन के बाद शेख हसीना का दूसरे देशों में जाना मुश्किल हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर बांग्लादेश ने पूर्व पीएम शेख हसीना का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द कर दिया। शेख हसीना के सहयोगियों का भी पासपोर्ट रद्द किया गया। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने यह बड़ा एक्शन लिया है और सेक्शन के बाद शेख हसीना का दूसरे देशों में जाना अब मुश्किल हो गया है। हालांकि पहले जानकारी मिल रही थी कि शायद वो किसी अन्य देश में हैं, लेकिन अगर वो किसी अन्य देश में हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर वो अपने देश में या कहीं और हैं तो उनके लिए और भी ज़्यादा मुश्किलें हैं, क्योंकि वो बाहर नहीं जा सकती हैं। हर तरीके से शेख हसीना के लिए मुश्किलें खड़ी हो चुकी हैं, क्योंकि एक तरफ तो विरोध प्रदर्शन, उनका इस्तीफा देना, उसके बाद उनको वहाँ से भागना पड़ा, और अब उनके जो करीबी हैं उनके भी पासपोर्ट रद्द कर दिए गए हैं। ये एक बहुत बड़ा मामला है जहाँ पर एक्शन लिया गया और इस एक्शन के तहत शेख हसीना का दूसरे देशों में जाना प्रतिबंधित हो चुका है। धमतरी से खबर है, जहां महानदी की नहर में गिरा ट्रैक्टर, बेकाबू होकर गिरा ट्रैक्टर, दो लोग सुरक्षित तैरकर बाहर निकल आए। क्रेन की मदद से नहर से ट्रैक्टर को बाहर निकाला गया। बड़ी खबर है धमतरी से, जहां पर महानदी की नहर में ट्रैक्टर गिरा, बेकाबू होकर गिरा ट्रैक्टर, दो लोग सुरक्षित तैरकर निकले। क्रेन की मदद से नहर से बाहर निकाला गया ट्रैक्टर बाहर। संवाददाता अभिषेक जुड़ गया। अभिषेक, कैसे हादसा हुआ? जी देखिए, अभी कुछ देर पहले का ही ये घटना है। खेती किसानी के काम अभी तेजी पर है, तो जो किसान है नहर के किनारे से आना जाना करते हैं ट्रैक्टरों से अपने, उसी दौरान एक ट्रैक्टर जो है बेकाबू हुआ और नहर में जाकर गिर गया। नहर में भी पानी छोड़ा गया है बांध से, तो काफी ज्यादा पानी है, लेकिन अच्छी बात यह रही कि जो दो लोग सवार थे, चालक सहित, तो वो सुरक्षित खुद तैर कर बाहर निकल गए। बाद में फिर क्रेन बुलाकर डूबे हुए ट्रैक्टर को निकाला गया। शुक्रिया आपका अभिषेक तमाम जानकारी के लिए। तो क्रेन की मदद से डूबे हुए ट्रैक्टर को भी बाहर निकाला गया। हालांकि ट्रैक्टर सवार जो लोग थे उन्होंने तैरकर अपनी जान बचा ली। यह हादसा हुआ, अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर जा गिरा नहर में। तो खबर धमतरी से है, जहां पर महानदी में नहर में गिरा ट्रैक्टर, और ये देखिए अब तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, एक्सक्लूसिव वीडियो आपके सामने है, जब ये ट्रैक्टर महानदी में गिरा था और उसको निकालने का काम किया गया, क्रेन की मदद ली गई, क्रेन के सहारे इस ट्रैक्टर को बाहर निकाला गया। हालांकि इस दौरान जब ट्रैक्टर गिरा था तो इसमें जो लोग सवार थे उन्होंने तैरकर अपनी जान बचा ली और बाल बाल जान बची। बेकाबू होकर ट्रैक्टर गिरा, दो लोग सुरक्षित तैरकर निकले बाहर। क्रेन की मदद से अब इस ट्रैक्टर को बाहर निकाला गया। आप ये देखिए कैसे क्रेन में लटका हुआ ट्रैक्टर है, मानिए कि कोई खिलौना लटका हो, लेकिन जब ये ट्रैक्टर हादसे का शिकार हुआ, इसमें दो लोग सवार थे, गनीमत ये रही कि कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है, सभी लोग सुरक्षित हैं, दो लोग इसमें सवार थे जिन्होंने मौके पर तैरकर अपनी जान बचा ली। हालांकि ट्रैक्टर पानी में डूब गया था, जिसे क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। और इसी के साथ बिग ब्रेकिंग